हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 16 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी ऑल टाइप के जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए ये प्रेफरेबल वीडियो है। दोस्तों, टॉप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, साथ ही फैक्ट भी बताए गए हैं हर राज्य से संबंधित, हर जिले से संबंधित, तो आपको ये वीडियो देखना बनता है। दोस्तों, इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है, मध्य प्रदेश का एकमात्र चैनल है दोस्तों जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मंथली करंट अफेयर देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रधानमंत्री का सचिव हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, अमित खरे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अमित खरे को प्रधानमंत्री का सचिव हाल ही में बनाया गया है। दोस्तों, कुछ और सचिव जो मुख्य होते हैं भारत सरकार में उनके बारे में जान लें, तो हाल ही में रक्षा वित्त सचिव गॉर्गी कॉल है, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 33वें इन्हें बनाया गया है, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है, वर्तमान में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन है, वर्तमान में रक्षा सचिव अजय कुमार हैं, राजस्व सचिव तरुण बजाज हैं। तो ये कुछ मुख्य सचिव हैं भारत सरकार में, मैंने आपको उनके नाम बताए हैं, आपको याद रखना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण 2021 में आयोजन किया गया है? तो दोस्तों, युद्ध अभ्यास के 13वें संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आपको बता दें, ये युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच किया जाता है और इसका 17वां जो संस्करण है वह अलास्का में आयोजन किया गया है। दोस्तों, एक और युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच होता है जिसका नाम है मालाबार, जो यूएस के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत करता है। रेड फ्लैग, कोप, वज्र प्रहार, ये भी दोस्तों यूएसए के साथ होने वाली युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? तो दोस्तों, देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बनाया गया है, जिसका ऑप्शन फोर्थ सिवनी सही आंसर होगा। दोस्तों, बात आइए सिवनी की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, यह सिवनी में ही स्थित है। और दोस्तों, ये पेंच टाइगर रिजर्व के जो वन्य जीव हैं उन्हीं के लिए साउंड प्रूफ हाईवे बनाया गया है, ताकि वन्य जीव जो गाड़ियां होती हैं उनकी आवाज़ ना सुन सकें। दोस्तों, इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा माटी का जो डैम है वह भीमगढ़ बांध है, जो बैनगंगा नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा पेंच टाइगर उद्यान है जो, उसमें मोगली लैंड भी बनाया गया है। काली मूछ का चावल, प्रसिद्ध लखना द्वन, यह सिवनी में ही स्थित है। दोस्तों, काली मूछ का जो चावल है वह लखना द्वन में मिलता है और यह सिवनी में ही स्थित है। तो ये कुछ फैक्ट हुए सिवनी के बारे में। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कुछ फैक्ट बालाघाट के बारे में। आपको बता दें, मैग्नीज नगरी शिकारियों का स्वर्ग के नाम से बालाघाट को जाना जाता है। सर्वाधिक लिंग अनुपात मध्य प्रदेश का 1021 यह बालाघाट में ही है। मलाजखंड तावा भंडार के लिए भारत का सबसे बड़ा स्थल है। इसके अलावा दोस्तों, वन राजकीय महाविद्यालय बालाघाट में ही इसका उद्घाटन किया जा रहा है। धान उत्पादक में शीर्ष जिला है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे बालाघाट के बारे में। अब बात करते हैं जबलपुर के बारे में, कुछ फैक्ट जबलपुर के बारे में भी जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। इसके अलावा जबलपुर में रूपनाथ का अशोक का एक लघु शिलालेख भी स्थित है। राज्य का पहला नगर निगम जबलपुर को ही बनाया गया था। जबलपुर में ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। रानी दुर्गावती की समाधि वरेला गांव में है। भारत का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र भी जबलपुर में ही खोला गया है। जबलपुर को आम जिला घोषित किया गया है। जबलपुर को पूर्व में त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था। जबलपुर में प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र है। इसके अलावा दोस्तों, थल सेना का सशस्त्र स्कूल जबलपुर में ही देखने को आपको मिलता है। मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे जोन जिसका नाम पश्चिम मध्य रेलवे जोन है, यह जबलपुर में है और यह भारत का एकमात्र रेलवे जोन है जो पूर्ण तरीके से विद्युतीकृत हो चुका है। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट हुए हमने जिलों के बारे में जाने हैं। आपको दोस्तों ऐसे ही फैक्ट याद रखना है आपके एग्जाम के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीसी ऑनर से सम्मानित खिलाड़ी कौन से हैं? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है श्रीनाथ और हरभजन सैन,
इन दोनों को एमसीसी ऑनर से हाल ही में सम्मानित किया गया है। दोस्तों एमसीसी का फुल फॉर्म मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब होता है और यही क्रिकेट के सारे नियम को बनाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में श्रीनाथ और हरभजन सिंह इन दोनों को एमसीसी ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पेंशन सिस्टम में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ग्लोबल पेंशन सिस्टम में भारत का 40वां स्थान है। तो ऑप्शन सी 40 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का 71वां 71th ये हाल ही में भारत का स्थान दिया गया है। दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको इस रिपोर्ट के बारे में बता दें, इसमें पाकिस्तान को 75वां और चीन को 34वां स्थान दिया गया है। वहीं बात करें पहले स्थान की तो आयरलैंड इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। अगर वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट जारी कौन करता है तो आपको बता दें इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें भारत का 71वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यूपी में सबसे बड़ा रनवे कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए बनाया गया है। 9 देशों की सीधी कनेक्टिविटी कुशीनगर में की जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो ये कुशीनगर बहुत बड़ा बुद्ध केंद्र है। इसके अलावा आपको बता दें इसकी लागत 260 करोड़ रुपए बताई गई है। बात आई उत्तर प्रदेश की तो चलिए आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई थी। मैप में लोकेशन आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वहीं राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80 सीटें हैं। स्तनपाई 12 सिंगा है। यहाँ का जो पक्षी वह सारस क्रेन है। पलास यहाँ का फूल है और राजकीय वृक्ष अशोक है। तो इतने आपको इंपोर्टेंट फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजन किया गया है? तो दोस्तों युद्ध अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा जिसका आंसर है 8वां। अब ये मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच किया जाता है आपको बता दें, ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजन किया जाता है। एक और जो युद्ध अभ्यास है वो होता है सिलेनिक्स, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच आयोजन किया जाता है। तो ये दोनों युद्ध अभ्यास आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महिला फुटबॉल कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो एशियन महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन 2022 में भारत में किया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा इंडिया, ऑप्शन बी। आपको बता दें इसकी जो टैगलाइन है अवर गोल फॉर ऑल रखी गई है। अब ये एशियन महिला फुटबॉल जो कप होना है उसकी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें, तो इसको इसकी जो स्थापना है 1975 में की गई थी। इसमें 12 टीमें खेलती हैं। करंट जो चैंपियन है वह जापान है और इसमें सबसे सक्सेसफुल जो टीम है वह चाइना है, क्योंकि चाइना ने 8 बार एशिया महिला फुटबॉल कप को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना हाल ही में किस राज्य में लाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। एमपी में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है। दोस्तों यह योजना सोलह जिले के 75 विकास खंडों के आदिवासी परिवार हेतु शुरू की गई है। बात आई मध्य प्रदेश की तो मैप में आप लोकेशन देख पा रहे होंगे, यह मध्य प्रदेश का ब्रॉड मैप है। मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश की स्थापना या गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। राज्य जो राजधानी है वह भोपाल है। राज्यपाल मग्गूभाई छगनभाई पटेल हैं। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री यहाँ के हैं। 230 विधानसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें हैं। ये इंग्लिश में आप देख पा रहे होंगे पूरा लिखा है। इसके अलावा अगर बात करें पुरस्कारों की तो कालिदास शिखर सम्मान, तानसेन, लता मंगेशकर, शरद जोशी, कुमार गंधर्व ये प्रमुख पुरस्कार हैं मध्य प्रदेश के। उद्यान में बात करें तो वन विहार, बांधवगढ़, कान्हा किसली, माधव पन्ना, पेज और सतपुड़ा ये प्रमुख उद्यान है। वहीं बात करें जलप्रपात की तो चचाई, बहुटी, धुआंधार, कपिलधारा और दुग्धधारा प्रमुख जलप्रपात हैं मध्य प्रदेश में। बांधों में अगर बात करें तो वर्गी, राजघाट, बाणसागर, तवा, गांधी सागर, बारना ये सभी प्रमुख मध्य प्रदेश के बांध हैं। तो आपको इतना एमपी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास हाल ही में भारत और किस देश के बीच आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इस युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और यूके के बीच किया गया है। तो ऑप्शन 4 यूके इसका सही ऑप्शन होगा। दोस्तों कुछ और युद्ध अभ्यास होते हैं वो आपको बता दें, तो सबसे पहले बता दें नोमोडिक एलिफेंट यह भारत और मंगोलिया के बीच किया जाता है। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच
युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। धर्म गार्डियन भारत और जापान के बीच होता है। दोस्तों मालाबार युद्ध अभ्यास में भी जापान को हाल ही में ऐड किया गया है। सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। वहीं शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजन किया जाता है। और यह कोंकण युद्ध जो अभ्यास है वह यूके के बीच किया गया है हाल ही में। दोस्तों बात आई है यूके की, तो आपको बता दें ये लोकेशन देख पा रहे होंगे, यूके है। यहाँ पर यूके की राजधानी लंदन है। यहाँ की जो सम्राट है वह एलिजाबेथ द्वितीय है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और यहाँ की जो मुद्रा है वह पाउंड स्टर्लिंग है। तो आपको इतना यूके के बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिडास ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दीपिका पादुकोण को एडिडास का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है। दोस्तों कुछ और ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किए गए, उनके बता दें तो फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को, फायर वोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर भी पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का नीरज चोपड़ा को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इक्विटास बैंक का ब्रांड एम्बेसडर रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को बनाया गया है, वहीं कैशिफाई का ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया गया है। तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किए गए थे जिनको मैंने आपको बताया। मध्य प्रदेश में सोलर विंड से 2022 तक कितने मेगावाट बिजली का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों सोलर विंड से 12,000 मेगावाट बिजली का टारगेट मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा रखा गया है। ऑप्शन सी MP इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश का शाजापुर, छतरपुर, मुरैना में हाल ही में सोलर जो प्लांट है या सोलर विंड पर काम जारी है। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव को चुना गया है। तो ऑप्शन ए सहदेव यादव इसका सही आंसर होगा। दोस्तों हाल ही में जो इसके नरेश ये जो शर्मा है इनको कोषाध्यक्ष चुना गया है और आनंद पांडे ये महासचिव बने हैं भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL में हाल ही में कौन सी दो टीमें जोड़ी गई हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अहमदाबाद और लखनऊ ये दो टीमें हाल ही में जोड़ी गई हैं IPL में, यानी अब टीमों की संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। IPL में टोटल 10 टीमें अब खेलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन इंडिया में किया गया है। तो ऑप्शन फोर्थ भारत इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसकी शुरुआत 1971 यानी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में की गई थी। 2018 में इसका जो विनर था वह बेल्जियम था और इसका जो मोटो इस बार जो सबसे ज्यादा मोस्ट टाइटल जीते हैं वह पाकिस्तान ने अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत किस शहर से की है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है। SN सुब्रा राव का हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें कहाँ का गांधी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इन्हें चंबल के गांधी के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। SN सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हुआ है इन्हें चंबल के गांधी के नाम से जानते थे। बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवार्ड हाल ही में किस शहर को दिया गया है? तो दोस्तों बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवार्ड हाल ही में सूरत को दिया गया है। तो ऑप्शन सी सूरत इसका सही आंसर होगा। दोस्तों मेट्रो सर्विस के लिए दिल्ली को यह अवार्ड दिया गया है। वहीं यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं वह हरदीप सिंह पुरी हैं और इनके द्वारा ही ये दोनों अवार्ड हाल ही में दिए गए हैं, जिसमें बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवार्ड सूरत को और बेस्ट मेट्रो सर्विस के लिए दिल्ली को अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS सुशील का हाल ही में जल अवरण हुआ है किस देश में हुआ है? तो दोस्तों रूस में INS सुशील का जलावरण हुआ है। दोस्तों ये रूस में क्यों हुआ है? क्योंकि 2016 में भारत और रसिया ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया था जिसमें ये कहा गया था कि ये जो INS होगी दो भारत में बनेगी और दो रशिया में बनेगी, जिसमें से एक तुसील रशिया में बनकर तैयार हो चुकी है जिसका जल आवरण हाल ही में हुआ है। इसलिए दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है मैंने इसीलिए यह रखा है कि रूस में इसका जल आवरण हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो भारत इसका सही आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा रूस। दोस्तों बात आई है रूस की, तो मैप मैप में ये दिख पा रहे होंगे ये रूस है।
रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं और जो प्रधानमंत्री हैं यह मिखाइल मुसिस्टिन हैं, और यहाँ की जो मुद्रा है रूसी रूबल है। तो इतना आपको रशिया के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुनीत राजकुमार का निधन हुआ, यह किस भाषा के मुख्य कलाकार थे? तो दोस्तों पुनीत राजकुमार कन्नड़ भाषा के मुख्य कलाकार थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 46 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक के कारण पुनीत राजकुमार का निधन हुआ है। इन्हें बेस्ट चाइल्ड एक्टर का राष्ट्रीय अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन थ्री यानी 3 साल इसका सही ऑप्शन होगा। दोस्तों भारत के आरबीआई के यह 26वें गवर्नर हैं। तो इतना भी आपको ये फैक्ट याद रखना है, इनका नाम है शक्तिकांत दास। हाल ही में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी है। ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट इसका सही आंसर होगा। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की गई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो फाउंडर थे बिल गेट्स थे और पॉल एलन थे। अभी जो वर्तमान में इसके चेयरमैन और एमडी हैं या सीईओ हैं वह सत्या नडेला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों G20 सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली में किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए इटली सही आंसर होगा। दोस्तों इस जो G20 सम्मेलन है 2021 में इसका 16वां संस्करण था। अब कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, तो 2020 में G20 का आयोजन सऊदी अरब में किया गया था, 2021 में तो किया गया है इटली में, अब 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा, और वहीं भारत में 2023 में भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब ये G20 दोस्तों 20 देशों का एक ग्रुप है जिसका फॉर्मेशन 1999 में किया गया था। इसके 20 टोटल मेंबर हैं और इसके जो हाल ही में जो पर्सन है या चेयरपर्सन है वह गायसेप्पे कोंटे हैं। तो आपको इतना G20 के बारे में याद रखना है। मोस्टली आपसे यही क्वेश्चन बनेगा कि 2030 में कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो भारत में G20 का आयोजन 2023 में किया जाएगा। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, जो जिसे हम एनसीआरबी के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा बताया गया है कि आत्महत्या के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद मध्य प्रदेश, यानी 1, 2 और 3 इन तीनों राज्यों में आत्महत्या के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इसमें सबसे टॉप पर है महाराष्ट्र। दोस्तों 2019 की तुलना में 2020 में मध्य प्रदेश में सुसाइड के मामलों में 17% की बढ़ोतरी हुई है। भोपाल में सबसे ज्यादा मामले आत्महत्या के देखने को मिले हैं। बात आई है महाराष्ट्र की, तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे हो, महाराष्ट्र राज्य की है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। मुंबई राजधानी है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। जो मुख्यमंत्री हैं वह उद्धव ठाकरे हैं। राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 या 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की 16 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उसके बारे में, और जो भी फैक्ट हुए हैं उनके बारे में, और जितने भी जिले हैं उनके भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो इस आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, ये मेरी पर्सनल आईडी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।